नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पर। आज हम लोग एक स्पेशल मीटअप के लिए इकट्ठा हुए हैं और आप इन बच्चों से जान पाएंगे जो हमारे साथ हैं इस समय कि ये मीटअप किन बच्चों का है, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे और जवाब इन बच्चों के रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहुँचते हैं अपने एक स्टूडेंट रवि प्रकाश के पास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कौन से बच्चे हैं। आप लोगों को यहाँ आकर कैसा लग रहा है दोस्तों? तो ये जो बच्चे हैं, ये हमारे सेकेंड ईयर के जो बच्चे इम्प्रूवमेंट भरे थे, ये उन बच्चों का मीटअप है। और इन बच्चों का बड़ा आग्रह था कि सर आप लोग आइए और हमारा भी इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि हम आपके चैनल के माध्यम से पढ़ कर एक नई ऊँचाई पर पहुँचे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये इनकी जो ऊंचाइयां इन्होंने छुई हैं ये किस प्रकार की हैं और क्या हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रवि के पास, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अपने इस इम्प्रूवमेंट पेपर में। जानते हैं कि इन्होंने क्या कंटेंट पढ़ा, क्या पाया। तो रवि नमस्कार सर, हम लेट्स स्टडी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम। हमारा एडवांस में तीन या चार नंबर था। कितने में तीन और चार नंबर? 65 में चार नंबर था जी। और हमारा इम्प्रूवमेंट में इस वक्त 44 नंबर है, और हमने एसकेटी सर का लगातार वीडियो देखा है, इसका हमें फायदा हुआ है। तो मतलब इस बात के लिए तो सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र रवि ही हैं, तो रवि के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और इसका पूरा श्रेय हमारे सर को जाता है, तो एक बार हम सर से भी बात करते हैं। देखें सर का क्या कहना है। सर नमस्कार। सर हिमांशु सर, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम चकाचक। कैसे? अरे हम तो बढ़िया, बस सोचे कि आपसे मुलाकात इस समय तो नहीं होगी, 6 बजे होगी प्लेटफॉर्म पे। नहीं सर, मैं कहा कि बच्चों का आग्रह था कि किसी तरीके से सर मीटअप कराइए और लोगों को भी बताइए कि लेट्स स्टडी इंडिया कैसे रोज एक नई नई ऊँचाइयों को छू रहा है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने कम समय में हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो 4 से 44। सर मतलब ये मेरे लिए बड़ा अनबिलीवेबल है। सर ये कहना चाहते हैं, जब मैं लेट्स स्टडी इंडिया पे आया था तो मेरा बस एक ध्येय था कि यहाँ पे जो भी कंटेंट जाएगा शुरुआत में सब फ्री जाएगा, और यहाँ बेस्ट फैकल्टी हम लोग लाएंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे एक नए भारत निर्माण करेंगे। मेरी यही सोच है और मैं यही कामना करूँगा। आज लड़का अगर अच्छा कर रहा है तो मैं यही चाहूँगा उसका थर्ड ईयर रिजल्ट इससे भी बहुत बेटर हो। हम यही सबसे कामना करेंगे और अपने स्टूडेंट को हमेशा हार्दिक करेंगे कि आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को बढ़ाते रहें। आप लोग का हमेशा मैं आभारी रहूँगा। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, सर मकसद तो हमारा भी यही है। और आपके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सर, मकसद तो हमारा भी यही है और आप हैं, आपसे हम सभी हैं सर। हमारे गार्जियन आप हैं, हमारे सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी आप हैं। तो अब इसके बाद हम लोग अपने और एक स्टूडेंट से मिलते हैं। तो क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मैं अभिषेक सिंह पाल, वर्तमान में BSc थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैं सेकेंड ईयर का एडवांस कैलकुलस में इम्प्रूवमेंट दिया था, जो मेरा 5 से 50 हुआ है उसका पूरा श्रेय SKT सर को जाता है। मैं इनका लगातार वीडियो देखता था और मैं इनका वीडियो का डेली मतलब नोट्स भी बनाता था और वेट भी करता था कब वीडियो आए। और मैं एक ही वीडियो को मतलब दो बार तीन बार वीडियो से देखकर मैं 5 से 50 हुआ हूँ। इसके लिए SKT सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद के पात्र आप भी हैं और इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इन्होंने एक और लंबी छलांग लगाई है। 5 से 50 एक अद्भुत है, अद्भुत। तो इनके लिए ये अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो वीडियो नहीं जाता, और अगर वीडियो नहीं जाता तो बच्चे उसका लाभ नहीं उठाते। हम तो कहेंगे लेट्स स्टडी इंडिया एक प्लेटफॉर्म हमको ऐसा दिया जिससे मैं बच्चों को ऑनलाइन सभी कंटेंट को मैं दे सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपको यूट्यूब के माध्यम से हमेशा अच्छे वीडियो मैं प्रोवाइड करते रहूँ और आप एक नए सफलता को पाएँ। मैं तो यही चाहूँगा। तो सबसे बधाई के पात्र तो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो जिसके माध्यम से वीडियो जा रहा है और आप चाहे जब देख सकते हैं उसको। ये नहीं हुआ कि क्लास मिस हो गया, सर आके चले गए, तो ये आप लोग का टेंशन फ्री हो गया है। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन आए हैं कि आप वीडियो को चाहे जब देखें और चाहे जितनी बार देखें, आपको हमेशा कंटेंट मिलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस यही एक वीडियो पड़ गया तो पड़ गया, अभी इस पर तो स्पेशलाइजेशन चलेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक शुरुआत है बस, क्योंकि हम लोगों ने ये ठाना है कि हमको अपने देश का परिदृश्य ही बदलना है। परिदृश्य बदलने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा कंटेंट पाना चाहते हैं, लेकिन
उनको ये पता नहीं होता, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं तो आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कौन टीचर कितना नॉलेजियस है, किसके पास क्या नॉलेज है। आपके आसपास जो टीचर मिलते हैं दूरी की वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम लोगों का मकसद यही था कि हम सबसे अच्छी फैकल्टी, सबसे दमदार फैकल्टी अपने प्लेटफॉर्म पर लाएं, और जैसे आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, भारत के बच्चे बच्चे का इम्प्रूवमेंट इसी प्रकार हो। अभी तो ये हमारे चैनल का सिर्फ आगाज़ है, अभी तो आप लोग ये कहाँ तक जाएगा ये अंजाम आपको देखना है, और उम्मीद हम यही करेंगे कि हम इसको बेहतर से बेहतर करते चलेंगे। देखिए कुछ पंक्तियाँ अभिषेक की ओर से। सर कि लग चुकी है आग मेरे घर में, बचा ही क्या, अगर बच गया मैं समझ लो जला ही क्या। अब तो एसकेटी सर के लिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? तो बच्चे ये कह रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट, एसकेटी सर इज बेस्ट। सर हम लोगों के लिए, हमारे लिए बस ये है कि जब तक हम अपने पृथ्वी पर रहे, बच्चों का निर्माण इसी प्रकार से करते रहे, जैसे कि आगे वाले आने वाली पीढ़ियों को और अच्छा बनाते चलते रहे। तो हमारा तो उम्मीद ये है कि हम भले मर जाए लेकिन मेरी छवि न छूटे, और हम आज भी आपके साथ हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज भी आपके साथ हैं और जीवन में मरने के बाद भी आपके साथ रहेंगे फ्यूचर में, केवल और केवल लेट्स स्टडी इंडिया के प्लेटफॉर्म से। तो आप लोग बस मेरे सपने हैं उसको पूरा कीजिएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर की बातें हमको इमोशनल कर गई। सर का बस कहना यह है कि हम तो चले जाएंगे लेकिन ये वीडियो जिंदा रहेंगे, और ये वीडियो आगे वाली, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में भी बच्चे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर। ऐसा देखने में आ रहा है कि सर को सिर्फ एडवांस, मतलब एडवांस में कैलकुलस में ही नहीं पारंगत है, सर डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पारंगत है। सर इसके लिए आपके लिए फिर से एक बधाई। अब हम लोग चलते हैं कुछ और स्टूडेंट से। स्टडी इंडिया पर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम सब के लिए लाभदायक है, और हम सब इससे जुड़े हुए हैं इस वक्त, और आगे वाले समय में, आने वाले भविष्य में बच्चे भी इससे जुड़े रहें ताकि उनका आगे तक कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभिषेक, लेट्स स्टडी इंडिया में बहुत सारा कंटेंट मिलता है बच्चों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 2020 के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, बायो, और भी मतलब जितना भी बीएससी का वीडियो आता है, और आपको क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है, 12th का और 10th का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, उसमें सारे कंटेंट जो हैं आपको यूपी कॉलेज लेवल ही नहीं, हरिश्चंद्रा कॉलेज लेवल ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी में आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर यूनिवर्सिटी के लिए, तो सारे यूनिवर्सिटी में एक ही सिलेबस है, और ये जो कंटेंट लेट्स स्टडी इंडिया मिल रहा है आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं, आप एक बार जरूर विजिट करें लेट्स स्टडी इंडिया को। थैंक यू। हम लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की है, और ये मुहिम सर है CUET को लेकर, जहाँ सर के ही मार्गदर्शन में सारे काम हो रहे हैं। तो उम्मीद है जिस तरीके से हम आप लोगों के लिए एडवांस कैलकुलस के कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहे थे, आने वाले समय में हम देश के बच्चे बच्चे के पास उनके डिज़ायर्ड कंटेंट पहुंचा पाएंगे। तो आज का इंटरव्यू यहीं तक है, अब इसके बाद कुछ मिष्ठान वगैरह आप लोगों को हम खिलाएंगे। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नाम? थैंक यू सर, माय नेम इज आकाश पटेल। सर जैसा कि सर, एक पहली बात तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने CUET के लिए प्रिपरेशन UG के लिए करवाना शुरू किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये मुझे बहुत ही बढ़िया मतलब लगा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास मतलब प्रिपरेशन करवाने के लिए बहुत सारे वेजेस नहीं हो पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन सर ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। तो पहली बात तो सर, हिमांशु सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हम लोग के लिए भी MSc CUET के थ्रू प्रिपरेशन करवाइए, जो कि सर हम लोग उससे करना चाहते हैं, और ये जो बेस्ट फैकल्टी लगी है लेट्स स्टडी इंडिया के लिए सर, ये बहुत ही मुझे मतलब एजुकेशन के थ्रू भी और हर चीज़ के थ्रू भी जो बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन होता है सब चीज़ मिलता है, तो सर इसके लिए मैं आपको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातें सुन के मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लगी। अब हम लोग अपने एक और स्टूडेंट के पास चलते हैं। आशीष, आप अपना कुछ रिव्यू दें। मेरा नाम आशीष कुमार यादव है, मैं लेट स्टडी इंडिया से जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देकर पास हुआ तो मिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो
कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो भी स्टडी मटेरियल और चल रहा है कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है। और यहाँ के जो फैकल्टी है वो आई थिंक ऑनलाइन बेस्ड फैकल्टी, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, और थैंक यू। कोई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ हमारे साथ आने के लिए। तो अब हम लोग, मैं सिर्फ आप लोगों से, जैसा कि आप लोगों की बातें सुन के मुझे जो बात फील हुई मैं उसको कुछ शब्दों में कहना चाहता हूँ। और सिर्फ मैं आपसे यही कहूँगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, और ठोकर कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। और हौसले कह रहे हैं कि देख लेंगे, और जैसा कि आपने कहा हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम CUET PG मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स ही नहीं, लगभग जहां तक हमारी टीम एफर्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस की वजह से जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि सारी चीज़ें, मतलब हम लोग सिर्फ, हमारी मोटिवेशन आप सभी लोग हैं, आप लोग जो यहां गेट टुगेदर आज हमारा हुआ है, ये हमें एक रूप में और मोटिवेट कर रही है कि हम और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएं। और जो लेट्स स्टडी इंडिया को इंडियाज़ बिगेस्ट और सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बना के हम छोड़ें, तो थैंक यू, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ इस मीटअप में पार्टिसिपेट होने के लिए। आप सभी लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे थे कि हमारे चैनल से एजुकेशनल कंटेंट तो एकदम अप टू द मार्क जा रहा था, एकदम अप टू डेट कंटेंट जा रहे थे, लेकिन बच्चों का बड़ा आग्रह था, आप सभी लोगों का आग्रह था कि सर बहुत सारी ऐसी सूचनाएँ हैं जो हमको नहीं मिल पाती हैं, हम इधर उधर से जाते हैं, मिलता तो है लेकिन समय से नहीं मिल पाता है। तो अब इसकी भी जिम्मेदारी लेट्स स्टडी इंडिया ने ले लिया है, और हमने अपना एक चाइल्ड चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है इन्फो इंडिया, द नेम यू नो एंड द न्यूज़ यू नीड। तो ये जो चैनल है ये आपको भारत के जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो एक लर्नर को जाननी चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराएगा, और उसकी जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। तो अब आपको जितनी भी सूचनाएं हैं वो बिना देर के आपके पास पहुंचती रहेंगी, बस आप सभी लोगों को हमारे चैनल को जैसे आप अपना प्यार दिखा रहे हैं इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना है, और हमारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।